है ना। तो उसी दिन से मेरा फिर, और मैंने सौभाग्य यह था कि मैं जाके जहाँ पे रुका, मेरे रिश्तेदार थे, भतीजा थे उनके घर में, वो थे मीरा रोड भाईंदर, जहाँ पे श्री श्री जगन्नाथ और यशोधरा महारानी राधा गिरिधारी और गौर निताय, तो इस्कॉन का बिल्कुल छोटा सा केंद्र था। और मेरे को फिर जो रिश्तेदार में बताया कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ रविवार को कार्यक्रम होता है, संडे फिर से लॉ ऑफिस होता है, दोपहर को होता है। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं, जगन्नाथ जी का तो नेचुरल अट्रैक्शन है उड़ीसा वासी के लिए, कैसे भी हो जगन्नाथ जी को ढूंढते उड़ते पहुँचेंगे। तो मेरे को बहुत लोग ने बोले कि हम लोग भी जाते हैं लेकिन केवल जो है प्रसाद के लिए जाते हैं। तो मैंने पूछा प्रसाद फ्री मिलता है कि? बोले नहीं फ्री नहीं है, 20 रुपये का कूपन मिलता है, उसमें दाल चावल दो सब्जी और एक मिठाई रहता है, स्वीट आइटम रहता है। तो बोला ठीक है, तो मेरे को लेके गए, मैंने दर्शन किया और मैंने सबके लिए कूपन लिया, बोले कि फिर 3 बजे आ जाएंगे प्रसाद के लिए और मिल जाएगा प्रसाद। तो एक संडे गया, दूसरा संडे गया, इसके बीच में बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, मतलब 2 संडे में मेरा नया नया जूता चोरी हो गया एक संडे। मैंने चोर को पकड़ा, चोर को लेके आया मंदिर के जो अध्यक्ष है तभी कमल लोचन को थे श्रीमान, तो उनको मैंने हैंड ओवर किया, तो बोले हम देख लेंगे। और उसी दिन ये सदा कि मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का आगमन था, तो मुझे पता नहीं था कि है, मैं तो चोर को पकड़ने में था। तो मैंने जैसे उसको हैंड ओवर किया तो फिर वो लोग बोले कि हम देख लेंगे, आप आइए सत्संग में बैठिए। तो फिर भी मेरे को उतना गुस्सा था, मैं बाहर रुका क्या कर रहे देखने के लिए। 15 मिनट के बाद वो जो है उसको छोड़ दिया, उसको चला गया वो, मैं और गुस्सा पड़ गया मेरा। तो फिर मैंने फिर से जाके शिकायत किया, मिला रहे आप छोड़ दिए कैसे मूर्ति है, तो बोले छोटा सा भी है छोड़ मूर्ति है। चलिए पास में बिल्कुल पीछे में एक बस्ती था, नाम भी मेरे को याद है, पेंडकर बस्ती है ना, जहाँ ऐसे लोग रहते थे। तो आधा घंटे के बाद वहाँ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में आया और सीधा आके मेरे को ऐसे पकड़ा, पैंट शर्ट में था, ऐसे दो चार एकदम थप्पड़ मारे, तो मेरे को समझ में आया तो क्या सीन चल रहा था। तो फिर जो है मैंने गुस्से से चल आ गया, तो दर्शन किया था मैंने, फिर सत्संग वगैरह अटेंड नहीं किया। और फिर मैंने बताया कि जो है मैं जो है आगे से इस मंदिर में कभी नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ की व्यवस्था इतना खराब है ना। तो अगले जो संडे आने वाला था, उस संडे रात को शनिवार को मुझे, क्योंकि महाराज जी का जो तभी तो इतना एडवांस नहीं था, उनका पोस्टर वगैरह भी है, लेकिन एक जो पोस्टर जो है लगा हुआ था है ना महाराज जी का। और फिर जो है मैंने रात को दिन मतलब शनिवार रात को महाराज सपने में आए, लोग जो भी है, और सपने आए कि बोले कि क्या हो गया संडे फिस क्यों नहीं आ रहे, बोला मैं नहीं जाऊँगा है ना, मतलब दो दो नया नया जूता चोरी हो गया है ना। तो फिर उसके ये है, तो प्रभुपा जी भी सपने में आए, कि प्रभुपा जी मेरे को बोले कि एक्चुअली कि छोड़ दो उसको, जाने दो, जो करना है करना, ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये, क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में मैं पहले जानता था, क्योंकि जहाँ मैं भुवनेश्वर में रहता था, भुवनेश्वर का जो मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर, वो मेरा स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैंने एक बार एक शाम के लिए हमने गए थे, मतलब हमारे मित्रों के साथ गए थे, और वहाँ पे प्रभुपाद जी का जो भजन कुटीर है, वहाँ पे प्रभुपाद जी का चरण चिन्ह में रखा है, तो वहाँ पे लिखा था भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। स्कूल के समय मेरे को इतना याद था कि यही संस्था है वो,
और तो फिर मैंने सोचने लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। और इससे पहले मैंने, क्योंकि ऐसे तो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग लोकल ट्रांसपोर्ट मेरे को बिल्कुल ये नहीं था, तो मैं बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को जितना जल्दी है यहाँ से निकलना है ना। तो मैंने माता श्री को फोन लगाया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो माता श्री बोले आ जाओ, कुछ चिंता मत करो, यहीं पे जो मिलता है उतने में संतुष्ट हो, कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बार बार मैं चिंतन कर रहा था, तो फिर उसके बाद जो है मुझे फिर से मैं फिर नया कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर रहा था। तो एक कंपनी में ये मतलब इंटरव्यू वगैरह दिया था, एडिटिंग वगैरह, उसके बीच में घटना हुआ कि मुझे मतलब बोले कि इनका एक बहुत बड़ा मंदिर है जुहू में, जुहू बीच में, चलो आज घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे गया, उस दिन संध्या के समय था, हम लोग फिर क्या है मंदिर में दर्शन किए। तो फिर एक भक्त ने मेरे को बुलाया, बोले आइए मैं आपको मिलाता हूँ महाराष्ट्र से। तो मैं चला गया हमारे पीछे, संध्या के समय था, महाराज के कमरे में मैंने मिला। फिर महाराज पूछे कहाँ से हो, मिले उड़ीसा से, क्या कर रहे हो, मिला सॉफ्टवेयर कंपनी में हो। फिर महाराज जी बोले कि कहाँ रहते हो, मिला ये। तो महाराज बोले कि आप प्रसाद लिए, मेरा हाँ प्रसाद का है। महाराज बोले आप रुकना चाहते हो, नहीं इतना बड़ा मंदिर में हम महाराज बोले व्यवस्था करता हूँ, बोला नहीं मेरे साथ बाकी रिश्तेदार भी है ना। तो ऐसा मतलब एक ये है। तो बाद में मैं फिर पुणे आया, पुणे आने के बाद फिर जो संपर्क और मतलब घनिष्ठता हुआ, तो ऐसा बाद में फिर भक्तों के साथ सुना। तो लेकिन जीवन का सबसे बड़ा जो ये हुआ कि 1990 में जन्माष्टमी का समय था। जन्माष्टमी से समय पहले, एक दिन पहले मेरा माता पिता आना चाहते थे मुझे मिलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है आ जाइए। वो लोग आ गए मंदिर में, बहुत छोटा मंदिर था, वहाँ रहने के लिए मैं किया। फिर जो है उन्होंने सारे कार्यक्रम अटेंड किए, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो है हम लोग जो है और थोड़ा कुछ लेके आ गया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो है गुरु महाराज का व्यास पूजा होता है, एक अन्नदा एकादशी। तो अन्नदा एकादशी में मैंने फिर ये, जैसे हम सबको जानते हैं कि महाराज जी मतलब जिनको एक बार भी मिलते हैं तो पूरे उनके दिल को छूते हैं। तो मैंने माता पिता से भी मिला, जबकि मेरे माता जी को ना हिंदी समझ में आती है ना अंग्रेजी समझ में आती है, तो वो प्रणाम करके निकले। वहाँ से फिर हम लोग गए वृंदावन, वृंदावन में यात्रा था हमारा 4-5 दिन का। और मैं इसके दौरान फिर मैं पुणे आ गया, और माता पिता जो वहाँ से उड़ीसा गए। और उड़ीसा में आज भी ये है कि कोई भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो लास्ट तीर्थ कहाँ आते हैं, जगन्नाथपुरी में जब तक नहीं आते उनका तीर्थ का फल आज भी ये। तो फिर वो आके मुझे बताया नहीं, वो उनका टिकट तो था, लेकिन वो पूरी गए दर्शन किए, उसके बाद फिर आए। उसके बाद फिर जो है रथ यात्रा से पहले ये जो एकादशी आता है योगिनी एकादशी, तो योगिनी एकादशी के दिन जो है मेरे माता का देहांत हुआ। क्योंकि मेरा जीवन में जो माँ के प्रति मेरा बहुत प्रेम था, जिसके कारण में मैं मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मेरे को पूरी जीवन भर भगवान का सेवा करना है कि ये है, मैं बिल्कुल दुविधा में था। तो देखते हैं कि महाराज के साथ पहला मुलाकात हुआ माता पिता का, और फिर इसके बाद जो है भगवान ने बिल्कुल जो है एक ये दिए। और इसके बाद फिर जो मैं धीरे धीरे मतलब मंदिर में फिर आने लगा, मतलब
पूरी तरफ से योगदान दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं भी है, लेकिन महाराज का एक जो गुण है कि कोई भी हो, मतलब भक्त है और अपने गुरु है कि दूसरे अपने गुरु भाई का शिष्य है, तो एक बार मतलब किसी को भी वो बड़े ये से प्रेम से यह करते थे। तो महाराज को फिर मैंने कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो फिर कंपनी वाले मेरे को H1 वीजा दिए थे 3 साल के लिए अमेरिका के लिए। मैं महाराज को आखिर मुंबई में जाके महाराज को पूछा कि महाराज जा सकता हूँ कि, महाराज मेरे को एक ही प्रश्न पूछे, आपको धन की जरूरत है महिला नहीं, क्योंकि धन की जरूरत नहीं तो आपको क्यों जाना है, विदेश क्यों जाना है। फिर भी मेरा मन ये नहीं रहा था। फिर इसके बाद में फिर जब दिल्ली में गया व्यास प्रदेश में, फिर से दिल्ली में जाके पूछा महाराज, फिर से वही प्रश्न पूछा, आपको धन की जरूरत है ना नहीं। फिर से मैं तीसरा बार जाके वृंदावन में पूछा, फिर महाराज ने मेरे को पूछे कि आपको धन की जरूरत है ना नहीं। तो इस 3 बार जो पूछा है ना, तो इसके इंडिकेशन से मेरे को मिल गया कि मेरे को कहीं बाहर जाने की मतलब बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। मतलब धीरे धीरे भगवान के प्रति तो शरणागति बढ़ा अपनाती है। तो एक बार मैंने कार्तिक में दिल्ली का रथ यात्रा होता है, एनुअल फंक्शन, तो रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा हुआ 9:30-11:30 बज गया था पर ये। तो महाराज निकलने वाले थे, मैंने उनको प्रणाम किया, तो महाराज पूछा रहे आपको मंदिर जाना है, मिला हाँ। तो देखा महाराज के साथ गाड़ी में बैठने के लिए कई सारे थे, महाराज तुरंत गाड़ी रोके, अपने शिष्य को बुलाया, बोले इसको गाड़ी में लेके मंदिर लेके आने का। तो फिर उनको गाड़ी में लेके मंदिर में आके गए, बुलाया मैंने कमरे में मिला मंदिर को, मंदिर में महाराज को। फिर महाराज बोले कहाँ आपके विश्राम का व्यवस्था, मैंने आश्रम में, मिले नहीं आश्रम नहीं, यहीं पे सोजा बोले। तो मैंने महाराज के कमरे के बाजू में महाराज सो गया, 12:00 बज गया था। फिर 4:25 में महाराज अपने कमरे से निकले मंगल आरती के लिए। जैसे कमरे में निकले तो महाराज बड़े प्रेम से बोलते हरि बोल महाराज बोले हरि बोल, जैसे सुना तो बोल गया चलिए। तो महाराज बोले नहीं नहीं तो नींद पूरा नहीं हुआ, अब सो जाओ बोले। मैं उठ के बैठा तो बोला कि अगर महाराज को सोना देना था तो महाराज उठाए क्यों मेरे को, महाराज को पता है सोया है तो उठाने की जरूरत नहीं था, है ना। तो मेरे को इंडिकेशन मिला कि नहीं आपको मंगल आरती में आना है। मैं तुरंत फिर उठा, फिर आश्रम में गया, फिर स्नान करके फिर मंगल आरती में आया, है ना। तो मतलब महाराज के इसमें तो ऐसे बहुत सारे ये है। तो महाराज बहुत सारे आदेश भी दिए जो मैंने उनको आदेश को ठीक से पालन करने के लिए कर नहीं पाया अपने, है ना। उन्हें भी महाराज जिम्मेदारी दिए थे और जो मेरे को समझ ले रहा था। और इसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद महाराज करीब 2 साल तक मेरे क्या बोलते हैं उसको फॉलो अप लेना करते हैं महाराज का। हर हफ्ते में मेरे को पूछते थे कहाँ पे हो, बस महाराज को पूछते थे कहाँ पे हो। और इसके बाद पूछते थे पुणे गए कि नहीं महाराज, और फिर कैसे हो, ये 3 प्रश्न महाराज हमेशा पूछते थे। और फिर जब व्यक्तिगत जब साक्षात्कार होता था फिर मानते हैं, लेकिन लास्ट मीटिंग में जो महाराज पुणे आए थे तो महाराज का शेड्यूल इतना व्यस्त है, मतलब सबको मिलना, फिर TMC को मिलना, मंदिर के लिए मिलना, जितने भी परिवार आते थे उनको भी मिलना,
जैसे महाराज को थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट के लिए मतलब खुश होते थे, महाराज तुरंत उनको सर्वेंट को बोलते थे कि कॉल जुगल किशोर, जुगल किशोर बुलाओ। तो मेरे को तुरंत फोन आता था कि महाराज बुला रहे हैं, मैं तुरंत ही भाग के जाता था महाराज में थी। तो महाराज कुछ नहीं बोलते थे, फिर बैठता था फिर आता था। मतलब महाराज रहे 3 दिन तक रहे महाराज। और फिर मैं फिर महाराज के सेक्रेटरी को पूछा था सत्तर को, तो कि महाराज कुछ बोल नहीं रहे, तो महाराज फिर दसवतार को बोले कि सभी महाराज को फुर्सत आते हैं तो आपको याद करते हो। तो महाराज बोले कि जैसे महाराज को कोई अगर बुलाते हैं अपने सेंटर में तो महाराज जाते हैं, नहीं तो जहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं उसके लिए महाराज जाते हैं। ये मैं समझ गया कि चीज़ मेरे जीवन में बहुत कुछ परेशान चल रहा है, इसलिए महाराज मेरे को बार बार बुला रहे। तो फिर महाराज उस दिन सुबह जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन भी महाराज मेरे को बोले कि मंगला आरती के बाद जाने से पहले मैं आपको मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मंगला आरती बाद में भी आ गया था जाने के लिए। तो लेकिन बाकी सब भक्त लोग को मिल रहे थे तो महाराज को निकलना था, तो महाराज फिर निकल गए। तो फिर सेक्रेटरी बोले कि आप महाराज आ जाओ, मार को जाना था नवी मुंबई खारघर का प्रोजेक्ट जाना था, तो चलिए बोले। तो मैं महाराज के दूसरे गाड़ बैठ के आया, महाराज पहुँचे 2:30 बजे महाराज पहुँचे वहाँ पे। फिर पहुँचने के बाद महाराज प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद जो दस हफ्ते तो सेक्रेटरी थे तो बोले अरे पूछो ना को क्या करना है, पूछो आप है ना। तो फिर जाके मैंने फिर से महाराज प्रसाद पाने के बाद फिर विश्राम करने के लिए आए, तो फिर से जाके महाराज को मैंने मिला, महाराज को बोला कि महाराज दिया। तो महाराज कुछ भी नहीं बोले है ना। और फिर मैं आ गया तो फिर दस होता बोले कि वो अभी महाराज भूल गया आपके बारे में, अभी अभी कारगर में आए, कारगर में भक्त लोग को मिलेंगे, वहाँ का जो जो समस्या है उसको ये करेंगे, अभी आपको जो समझ में आ रहा है आप वही करो है ना। तो इसे हम सीख सकते हैं कि एक्चुअली कि मतलब जो है गुरु शिष्य के बीच में कितने घनिष्ठता है ना। तो फिर भी मुझे कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि ये, तो मैंने इसलिए महाराज के जो कुछ वरिष्ठ शिष्य है जिनके मैं उनके मतभूत नज़दीक थे, तो उनके माध्यम से जो है महाराज को जैसे परसों विवेक बिंद्रा अपने ऑफरिंग में दे रहे थे कि महाराज को समझना मतलब अचिंत्य है। एक भक्त बता रहे थे कि जो सरेंडर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म पर जामेकम शरणम व्रज, तो जैसे हमने कपड़ा से पानी निकालते हैं ना, निचोड़ते हैं ना, तो महाराज चाहते हैं कि अपने जो शिष्य के वो पूरा कपड़े से निकलने मतलब उतना हद तक एक्चुअली क्या करेंगे, आपको मोल्ड करने के लिए तैयार करेंगे है ना। अगर आप मोल नहीं हो पा रहे तो फिर महाराज छोड़ देंगे आपको, मतलब छोड़ देंगे मतलब ठीक है आपको जैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके जैसे आपको इतना हद तक आपको ये करेंगे है ना। तो ये जो कुछ कुछ जो है ना मतलब हम जब रहे तो जैसे एक भक्त बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी के एक किसी मंदिर में एक सॉक्स था भक्त के पास, तो मंदिर वाले चाहते थे कि सॉक्स को जो भी ऑक्शन करने के लिए इलामी करने के लिए कुछ धन की जरूरत था ऐसे ही, तो बोले अगर प्रभुपाद जी के जब प्रभुपाद जीवित रहते थे है ना, तभी प्रभुपाद जी को जितना वैल्यू जो नहीं दे पा रहे थे
लेकिन व्यक्ति चले जाने के बाद प्रभुपाद जी के उनका कीमत, फिर वो उसके वो कंपेयर कर रहे थे कि अभी मान लो कि जीसस क्राइस्ट का अगर कोई वस्तु उनके जो तदीय उनका इस्तेमाल करने कोई वस्तु को अगर अगर ऐसे नीलामी किया जाए तो कितना लाखों कितना करोड़ में वो भी होगा, उसका कोई ये नहीं है ना। तो इसलिए जैसे देखते हैं कि जो जो पिताजी घर में रहते हैं मतलब जीवित रहते हैं तो सब उनके ऊपर बोझा बन जाते हैं, उनको पता है कि असली पिताजी है ना। लेकिन जो पिताजी चले जाने के बाद बच्चों को क्या करना पड़ता है, उस बोझा को लेना पड़ता है ना। तो हमारे लिए ऐसा है और कि जो है हम लोग उनके ऊपर भी निर्भर रहते हैं। महाराज जाते जाते भी अपने विल में लिख के दे कि मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कोई उसमें जो महाराज जीवित रहते थे क्योंकि शरणागति को लेके शरणागति हर भक्त के जीवन में क्या यह आता है ना, क्या सेवा करूँगी। लेकिन वो जाने से पहले बिल्कुल क्लियर करके गए कि एक्चुअली कि कैसे आप मतलब उसमें थे, मतलब एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग जो है भक्तों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा, मतलब कोऑपरेट प्रभुपाद जी के मूवमेंट को, उस मूवमेंट को हम अगर आधार रख के हम अगर जिएंगे तो कभी भी हम जी पाएंगे, मतलब अंत सांस तक हम जो है इस कौन संस्था में इस घर में हम हमारा अंतिम सांस है ना। नहीं तो हम अगर अपने आप जीना चाहेंगे या ऐसे कुछ जो है हम जो मेरे को जो अच्छे लगते हैं मेरे है ना उनको ले साथ में अगर हम जिएंगे तो हो सकता है कि अंतिम समय तक हम सांस नहीं ले पाएंगे है ना। तो ये इतने बड़े जो शिक्षा है तो मैं वही मानता हूँ कि महाराज जो है वो एक ही इंस्ट्रक्शन दिए, अगर हम इसको पालेंगे तो फिर हम अंतिम सांस तक इस संस्था में रह पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं भूल गया कि उस समय जो ऐसे कुछ घटना हुआ था जिसके कारण और एक ये हुआ था, मेरा बैग वगैरह से चोरी हो गया था, मतलब चोरी मतलब ऐसे तो छोड़ के आ गए थे लोग यात्रा में लेके गए थे और वहाँ से लेट हो गया तो बस छोड़ के चले गए। तो इसके बाद भी मैंने बोला कि नहीं आऊँगा मंदिर, तभी भी जो है गुरुदेव और साथ में प्रभुपाद जी आए थे, तभी मैंने ये दिखा था कि मेरे पिताजी और जो मेरा बहन मेरे पूरे परिवार जो है महाराष्ट्र के ये है। तो पिछले जो अभी अप्रैल पिछले महीना में जो है बाहर जो दिखे थे मेरे छोटी बहन है जिनको 4 साल पहले महाराज जी पहली बार मेरे जन्म स्थान पर आए थे और वहाँ पे सबको मिले, और मिलने के बाद जो है मेरे बहन का भी लास्ट दिखा था, मतलब महाराज का लास्ट दिखा में पिछले महीने में, वो भी महाराज आ नहीं पाए इसलिए महाराज ऑनलाइन में दिए, तो मेरा छोटी बहन दी है ना। तो ये जो है मार्ग के साथ जो दिव्य है, तो हम जितना प्रामाणिक रहेंगे तो गुरु का जो है संग मिलते रहेगा। तो मैं आप सबको चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर जो है मेरे छोटा मोटा जो भी गलती किया होगा है ना, किसको दुख पहुँचाना होगा उसके लिए आपका क्षमा करेंगे और आपके हृदय में मुझे स्थान देंगे ताकि मैं जो प्रभुपाद ने अपने मिशन को छोड़ के गए हैं उस मिशन में मैं थोड़ा बहुत जो है अंतिम सांस तक का योगदान कर सकूं। हरे कृष्णा गोपाल कृष्ण से महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत गुरु वैष्णव की जय।